पूर्व कलकत्ता नागरिक परिषद 25 साल पुरानी यह संस्था सामाजिक सेवा में हमेशा अहम भूमिका निभाती आ रही है। रविवार को लेक टाउन में इस सभा का आयोजन किया गया था। इस सभा को संबोधित करते हुए संस्था के अध्यक्ष अशोक जैन ने कहा कि यह अपार हर्ष की बात है कि सभा 25वें साल में प्रवेश कर चुकी है। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही संस्था द्वारा महिला एवं युवा शाखा खोलने की योजना बनाई जा रही है। अशोक जैन से मिली जानकारी के अनुसार संस्था सामाजिक सेवा कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती है। कुछ दिन पहले सुंदरबन जाकर वहां के लोगों को कंबल, सिलाई मशीन, जरूरत की अन्य वस्तुएं वितरित की गई। इसके अलावा संस्था द्वारा मेडिकल की सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने घर से नए कपड़े और बिना एक्सपायरी डेट वाली दवा संस्था के कार्यालय में जमा कराएं, ताकि गरीबों को वह दान दिया जा सके और अल्प शुल्क द्वारा फिजियोथेरेपी कराई जाती है। इस बैठक में वर्ष भर का लेखा जोखा पेश किया गया। संस्था द्वारा अच्छे कार्य करने वाले सदस्य को पुरस्कृत भी किया गया। इस संस्था में कई लोगों ने नई सदस्यता ग्रहण की। मुख्य अतिथि के तौर पर चंद्र प्रकाश सरावगी उपस्थित थे। संस्था द्वारा अब तक 3300 लोगों का रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा स्वास्थ्य शिविर, नेत्र जांच शिविर का भी आयोजन किया गया। संस्था की ओर से हर वर्ष होली प्रीति सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है। इस मौके पर संस्था के सचिव परिमल रुंगटा, सदस्य रायचंद्र सुराना, संजय सिंघी, अर्पिता अग्रवाल, श्याम लाल चौधरी, नारायण प्रसाद सरावगी, ओम प्रकाश झाजरिया, प्रदीप बोचरा, विजय अग्रवाल, इंद्र सेठिया, श्याम सुंदर अग्रवाल, रंजीत अग्रवाल, हनुमान दुग्गड़, रवि गोयनका सहित संस्था के अन्य सदस्य उपस्थित थे। अपने इलाके की खबरों को जानने के लिए युवा शक्ति चैनल को सब्सक्राइब करें।